सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सहयोग बहुत महंगी चीज है, हर किसी से इसकी उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हमारे लिए साल का बदलना तभी सार्थक होगा जब हम भी इसके साथ स्वयं की कमियों को बदलें। आज का पंचांग 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि सुबह 8:50 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 10:33 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:25 से 9:50 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:17 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार, पिछले काफी समय से जिस अटके काम को करने की सोच रहे हैं बहुत शारीरिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीदें हैं। अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बढ़ जाएगी। आपका कोई सपना साकार होने वाला है, इसलिए खूब मेहनत करें। ग्रह स्थिति आपके लिए शुभ अवसर बना रही है। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में उचित परिणाम हासिल होंगे। यात्रा संबंधित योजना सफल साबित होगी, आपको बड़ा फायदा भी मिल सकता है। अलग व्यक्तियों के लोगों के साथ काम करने से नई बातों को सीखना संभव होगा। नकारात्मकता को समझते हुए उसे दूर करने की कोशिश करें। परिवार संबंधित नाराजगी दूर होगी। काम करते समय पार्टनरशिप करने की कोशिश करें, जल्दी सफलता मिल सकती है। पार्टनर की बातों को बिना समझे इनकार करना तकलीफ का कारण बनेगा। शुगर को नियंत्रित करें, खान पान में बदलाव करने होंगे। आज के दिन सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा भी रहने वाला है। व्यवसाय में आपने जितनी उम्मीद की थी आपको उससे अधिक धन मिल सकता है। किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। यदि आपने किसी से धन उधार दिया था तो उसे भी आपको उतारना होगा। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी खास की दस्तक हो सकती है, आप कोई जोखिम उठाने से बचें। आपके नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। सावधानियां, अनावश्यक गतिविधियों पर खर्चा बढ़ेगा, इसलिए अपने बजट के प्रति लापरवाही न करें। आपका गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए परेशानियां बढ़ा देंगे। वाद विवाद से बचें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार में उचित व्यवस्था बनाने में आपकी प्राथमिकता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच मधुर सामंजस्य रहेगा। आपके लिए वर्तमान स्थिति काफी मुश्किल भरी है, लेकिन सहन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है और अगर स्थिति अधिक खराब हुई तो अलग होने की नौबत भी आ सकती है, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी होगी क्योंकि यह स्थायी चरण है। खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने दें। आगे बढ़कर बातचीत से अपने पार्टनर के साथ सब गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर कर लें। बात करते हैं करियर की। आपके कार्यस्थल पर तनाव का माहौल है। यह तनाव का माहौल आपकी वजह से नहीं बल्कि व्यापार में कुछ भारी नुकसान की वजह से हो सकता है। अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा न भरी, बल्कि इसके बजाय नकारात्मक विचारों को इस लहर के घेरे में आ रही उन सभी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। आपके खर्चों का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आवश्यक धन की प्राप्ति होगी। इस समय व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेना जरूरी है। बाहरी स्रोतों से लाभदायक परिणाम मिलेगा और कई शुभ अवसर भी मिलेंगे। नौकरी में बॉस और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, आप अपना टारगेट कर लेंगे। बात करते हैं सेहत की।
बदलते मौसम से सावधान रहें। गर्मी का मौसम आ रहा है, इसलिए अपने सेहत का भी ख्याल आपको रखना होगा। इसे अच्छी बनाए रखने के लिए आपको हर रोज सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की आदत डालनी होगी। आज इसकी तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप शाम तक दांत में दर्द महसूस कर सकती हैं। अपनी अच्छी सेहत को बनाए रखने के लिए आपको अपने खाने का पैटर्न तुरंत ही बदलना होगा। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, शिव भगवान जी की पूजा आराधना करें। हो सके तो गरीबों को सफेद वस्तुओं का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।